रवि क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रवि क्लासेज में। तो आज हम गोधौली बग्दू गद्य खंड के सबसे अंतिम चैप्टर शिक्षा और संस्कृति का भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सामने लाए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने जो भी आपके क्लासमेट हैं दोस्त उसके साथ मेरा वीडियो भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप शुरू कर देते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपको कुछ देर के लिए टाइम दिया जाएगा बताने के लिए, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और फिर मैं आंसर इसका कुछ देर के बाद बताऊंगा आपको। तो जल्दी से बताइए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोरबंदर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की रचना है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की रचना है, मतलब कि महात्मा गांधी का रचना कौन है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा और संस्कृति, जो कि पढ़ रहे हैं। गांधी जी की पत्नी का नाम था? चौथा नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का पत्नी का नाम था, मतलब कि गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्तूरबा। पचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की माता का क्या नाम था? पचवा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुतली बाई। छठा नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत हैं? सातवां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति में पाठ में किन के विचार प्रस्तुत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात का ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के। आठवा देखिए, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? आठवा नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिजन। हरिजन पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? नौवा क्वेश्चन, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? तो नौ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी जी। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं गांधी जी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के जन्मदिन दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस का ऑप्शन सी, अहिंसा दिवस के रूप में। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसक प्रतिरोध को।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरित्र निर्माण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। 13 नंबर क्वेश्चन, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दस्तकारी का अर्थ है। 14 नंबर क्वेश्चन, दस्तकारी का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तकोल। 15 देखिए, अम्ल का अर्थ है। 15 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार। 1गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने का पक्षधर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दस्तकारी एवं उद्योग से। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी का। 19 नंबर क्वेश्चन, हरिजन के संपादक कौन थे। 19 नंबर क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका के संपादन कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जयंती दिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21वां देखिए, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, 22 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के विकास में, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में का जो सहायक होता है शिक्षा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा के। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। 26 नंबर देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 को। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग इंडिया क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन, अंग इंडिया क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रिका है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि और नाटककार दोनों के रूप में। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने बच्चे को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी ने बच्चे को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसक प्रतिरोध। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 से 1914 ईस्वी तक। गांधी जी के दो हथियार थे। 33 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के दो हथियार थे मतलब कि गांधी जी का दो हथियार कौन था? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दो हथियार थे कौन कौन था? अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्तकला। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्दत्त का शाब्दिक अर्थ है, 35 नंबर क्वेश्चन, उद्दात्त का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को।